हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। उस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु की संरचना के अंदर अपनी चर्चा चल रही थी पिछली वीडियो में परमाणुओं के स्पेक्ट्रम के बारे में। मैंने आपको तीन प्रकार के स्पेक्ट्रम बताए थे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम और तीसरा होता है आपका रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणवीय स्पेक्ट्रम। तो ये कुल तीन प्रकार के स्पेक्ट्रम अपन ने पढ़े हैं। अब देखिए, अपन ने जो स्पेक्ट्रम पढ़े हैं उसमें लास्ट वाला जो स्पेक्ट्रम पढ़ा था अपन ने परमाणवीय स्पेक्ट्रम या रेखा स्पेक्ट्रम, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर कोई भी जो रंग होते हैं वो सतत न होकर उनके बीच में चमकीली काली रेखाएं पाई जाती है। और इन चमकीली काली रेखाओं की अपन बात करें तो ये जो चमकीली काली रेखाएं होती है इन्हीं के कारण इस स्पेक्ट्रम को अपन ने रेखा स्पेक्ट्रम कहा था, और वो प्रदर्शित किया जाता है गैसीय परमाणुओं के द्वारा। ठीक है ना। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और वो है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन भी गैस होती है, तो गैस परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा उसमें भी क्या होगा, इस हाइड्रोजन गैस के परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसमें भी विभिन्न प्रकार की रेखाएं पाई जाएगी। ठीक है ना, यानी ये भी रेखा स्पेक्ट्रम का उदाहरण होगा। अब देखिए क्या होता है, ये देखो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस से भरे पात्र में विद्युत विसर्जन कराया जाता है, देखो हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ जो पात्र होता है उसमें विद्युत विसर्जन का मतलब होता है स्पार्क करवाना। ठीक है, जैसे ही आप लोग उस पात्र के अंदर स्पार्क करवाते हैं, होता है ना, दो विपरीत इलेक्ट्रोडों को ऊपर टकरा देते हैं तो वहां पर स्पार्क होता है। ठीक है, तो बस वही चीज होती है कि जब हाइड्रोजन गैस से भरे हुए पात्र में विद्युत विसर्जन कराते हैं यानी उनके में उनके मध्य स्पार्क कराते हैं, तो आपको पता है बहुत ज्यादा ऊर्जा उस स्पार्क के दौरान मुक्त होती है, और उस ऊर्जा के कारण हाइड्रोजन अणु जो होंगे, जो उस पात्र के अंदर हाइड्रोजन गैस के अणु हैं, वो वियोजित हो जाएंगे और उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक पात्र था, इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक पात्र था, इस पात्र के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड लगाए और इनके मध्य क्या किया, विद्युत विसर्जन कराया, तो यहां पर बने हुए जो हाइड्रोजन गैस के अणु हैं यहां पर भरे हुए, ये इस ऊर्जा के कारण, इस उत्पन्न ऊर्जा के कारण टूट कर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु यहां पर बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या बन गए, उच्च ऊर्जा युक्त हाइड्रोजन परमाणु यहां पर बन चुके हैं इस प्रकार से। अब ये हाइड्रोजन परमाणु क्या करेंगे, इनके पास ऊर्जा ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, ये विविक्त आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेंगे, यानी कि आपका ये हाइड्रोजन परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। और इनके विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्सर्जित करने के कारण ही जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोलेंगे अपन रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणवीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, क्या बोला मैंने आप लोगों से कि भाई कोई भी एक बंद पात्र लेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस भरेंगे और उस बंद पात्र में क्या करेंगे अपन, उस बंद पात्र में अपन विद्युत विसर्जन कराएंगे, तो यहां पर H2 अणु जो होंगे वो वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु उत्पन्न कर देंगे, जो विविध आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और इन उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें रेखाएं उपस्थित होती है, इसलिए इसे हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम अपन बोलते हैं। तो ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर रेखाएं हैं, तो इसमें रेखाओं की कई श्रेणियां होती है, ये जो रेखाएं यहां पर उपस्थित है स्पेक्ट्रम के बीच बीच में, उन रेखाओं की कई श्रेणियां होती है, उन श्रेणियों की रेखाओं को अपन इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किसी भी श्रेणी में कौन सी रेखाएं होगी इनको अपन एक सूत्र से प्रदर्शित करेंगे, और सूत्र ध्यान रखेंगे आप लोग, न्यू बार बराबर 109,677 1/N1² - 1/N2² प्रति सेंटीमीटर।
ये होता है आपका श्रेणियों के अंदर रेखाओं को प्रदर्शित करने का सूत्र होगा न्यू बार बराबर 109.677 इंटू 1/(n1)² - 1/(n2)² प्रति सेंटीमीटर। यहाँ पर n1 जो होता है इसका मान 1, 2, 3, 4 होता है और n2 का मान जो होगा वो n1 से एक ज्यादा होगा, यानी n1+1 होगा, n1+2 होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n1 है, ठीक है, n1+2 होगा, इस प्रकार से n1 से एक ज्यादा मान यहाँ पर प्राप्त होता है। और बात करें अपन यहाँ पर, ये मान आपको दिया हुआ है 109.677, तो ये वाला जो मान दिया हुआ है ये हाइड्रोजन का रिडबर्ग स्थिरांक होता है। पूछा जाता है आप लोगों से कि ये 109.677 क्या है, तो ये हाइड्रोजन का क्या है, रिडबर्ग स्थिरांक होता है। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको बताया है कि इन रेखाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती है, और इन श्रेणियों की बात करें तो मुख्यतः 5 प्रकार की श्रेणियां होती है, और 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो पहला है लाइमेन, दूसरा है बामर, तीसरा है पाश्चन, चौथा है ब्रैकेट और पांचवा है फुंड। ठीक है, तो 5 श्रेणियां मुख्यतः होती है, लाइमेन है, बामर है, पाशन है, ब्रैकेट है और फुंड है। ध्यान रखें लाइमेन के लिए n1 का मान, क्योंकि ये पहली श्रेणी है इसलिए n1 का मान 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है, पाशन के लिए 3 होता है, ब्रैकेट के लिए 4 होता है, फुंड के लिए 5 होता है। इसी प्रकार से सिक्वेंस में आप लोग याद रखेंगे लाइमेन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है ना, अब n2 का मान मैंने आपको बताया एक ज्यादा होगा हमेशा, यानी n1 का मान 1 है तो ये 2-3 हो जाएगा, 2 है तो 3-4 हो जाएगा, 3 है तो 4-5 हो जाएगा, 5 है तो 5-6, और 6 हो तो 5 है तो 6-7 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पहली श्रेणी है लाइमेन श्रेणी, वो पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित होती है, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र से संबंधित होती है, और बची हुई तीनों यानी कि पाशन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों श्रेणियां अवरक्त क्षेत्र से संबंधित होती है। ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि सर लाइमेन श्रेणी जो होती है वो प्रावैगनी क्षेत्र के अंदर आती है, बामर श्रेणी आती है दृश्य क्षेत्र के अंदर, और पाशन, ब्रैकेट, फुंड ये तीनों आती है अवरक्त क्षेत्र के अंदर। तो ये चीज आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस से भरे पात्र में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो हाइड्रोजन के अणु वियोजित होकर H2 परमाणु उत्पन्न करेंगे उच्च ऊर्जा वाले, और ये उच्च ऊर्जा वाले परमाणु जो होंगे ये विविक्त आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस उत्सर्जित विकिरण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसमें रेखाएं उपस्थित होती है, इसलिए इसे हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इन रेखाओं के अंदर कई श्रेणियां होती है, और इन श्रेणियों को प्रदर्शित करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, न्यू बार 109.677 इंटू 1/(n1)²- 1/(n2)² प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर n1 का मान तो 1, 2, 3, 4 होगा सही, और n2 का मान n1+1, n1+2 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 109.677 प्रति सेंटीमीटर का जो मान होता है ये हाइड्रोजन का रिडबर्ग स्थिरांक होता है। श्रेणियों की बात करें तो इन रेखाओं के अंदर मुख्यतः 5 श्रेणियां देखने को मिलती है, पहली लाइमन होती है, दूसरी बामर होती है, तीसरी पाशन होती है, चौथी ब्रैकेट होती है, पांचवी फुंड होती है। ठीक है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये बात जो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, लाइमन श्रेणी प्रावेगनी क्षेत्र से संबंधित है, आपकी बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र से संबंधित है, पाशन, ब्रैकेट और फुंड तीनों अवरक्त क्षेत्र से संबंधित है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो मुझे समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती है, उन रेखाओं के अंदर 5 श्रेणियां होती है, कौन कौन सी होती है, ये चीज भी हमें समझ में आ गई है। परंतु एक बात हमें बता दीजिए कि भाई ये हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की संरचना होती कैसी है। तो देखो भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की संरचना मैंने आपके सामने बनाई हुई है, देखो ये, ठीक है, तो इस प्रकार का होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का क्या है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि लाइमेन श्रेणी n=1 से संबंधित है। ठीक है, लाइमेन श्रेणी किससे संबंधित है, n=1 से संबंधित है। तो यहाँ पर जो रेखाएं आप लोग लिखेंगे ये कौन कौन सी रेखाएं यहाँ पर हो सकती है इसके बारे में बात करें, तो देखो लाइमेन श्रेणी के अंदर कहाँ से रेखाएं शुरू होगी, तो ध्यान रखें n1 के अंदर जो रेखाएं शुरू होगी ना, n1 के अंदर जो रेखाएं होगी वो कहाँ से आएगी, एक तो 2 से आएगी,
थ्री से आएगी, फोर से आएगी, फाइव से आएगी और सिक्स से आएगी। यानी कि हमेशा जिस श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं उससे ऊपर वाली श्रेणी से रेखाएं नीचे आपको भेजनी है, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी में जो रेखाएं आती है वो n बराबर 2 से नीचे आएगी। उसी प्रकार से बामर श्रेणी में कहां से आएगी, क्योंकि ये n बराबर 2 से संबंधित है, तो इसमें रेखाएं कहां से आएगी, n बराबर 3 से आएगी। तो n बराबर 3 से आएगी, थोड़ा सा इसमें अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हाँ, n बराबर 3 से आएगी, फिर n बराबर 4 से आएगी, n बराबर 5 से आएगी, n बराबर 6 से आएगी। इसी प्रकार से पाषाण के लिए n का मान 3 होता है, तो उसमें जो रेखाएं आएगी वो कहां से आएगी, 4 से आएगी, यानी कि n बराबर 4 से, n बराबर 5 से, n बराबर 6 से आएगी पाषाण श्रेणी में। ब्रैकेट श्रेणी का n बराबर 4 इसके लिए मान होता है, तो इसमें 5 से आएगी, 6 से आएगी, फुंड में 6 से आएगी और फिर ऊपर अनंत तक इस प्रकार से ये बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार की श्रेणी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये था अपना हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, जिसमें कुल 5 श्रेणियां हैं। श्रेणियों के नाम जरूर आप लोगों को सीक्वेंस में ध्यान रखने पड़ेंगे, और वो होता है कौन सा, लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों ने इस चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, और ध्यान से आप लोग इस चीज को एक दो बार आप लोग वीडियो को देखेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग एक दो बार अच्छे से देखें, और कोई भी प्रॉब्लम इससे संबंधित हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था अपना आज का सेशन, मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes: RBSE 12th, Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.